हर घर चुपचाप से ये कहता है कि अंदर इसमें कौन रहता है, किस हस्ती की हुई इस घर से शुरुआत, किन लोगों ने थामा था उनका हाथ। सुनते हैं सितारों की जुबानी उस घर की अनोखी कहानी, क्योंकि हर घर कुछ कहता है। मुंबई एक ऐसा शहर जिसके हर कोने में संपूर्ण भारत की झलक नजर आती है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वो जगह जहां हमारे आज के मेहमान का बचपन गुजरा। सुबह सुबह मुंबई के माटुंगा इलाके में इस तरह फिल्टर कॉफी पीने का मजा ही कुछ और है। एशियन पेंट हर घर कुछ कहता है में हमारी आज की मेहमान इन्हीं गलियों में बड़ी हुई हैं, और उनका बचपन इसी तरह कॉफी पीते हुए गुजरा है। देश की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और रंगमंच की उत्कृष्ट कलाकार रत्ना पाठक शाह। रत्ना पाठक का जन्म 18 मार्च 1963 को मुंबई के दादर इलाके में हुआ। उनके पिता बलदेव पाठक और माँ दीना पाठक की वो पहली संतान हैं। अभिनय की कला उन्हें विरासत में मिली। माँ दीना पाठक रंगमंच और सिनेमा की मजी हुई कलाकार थी। रत्ना जी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से रंगमंच की बारीकियां सीखी और अपने अभिनय से रंगमंच को एक नया आयाम दिया। उन्होंने न सिर्फ रंगमंच पर बल्कि छोटे पर्दे और हिंदी फिल्म जगत में भी अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया। रंगमंच की कलाकार और कुशल अभिनेत्री रत्ना पाठक शाह। आइए, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। ये क्या मतलब मद्रास कैफे का क्या इम्पोर्टेंस है आपके जीवन में, ये हम जानना चाहते हैं। मद्रास कैफे एक ऐसी जगह है जहाँ मेरे बाबा हमको हर संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए ले आते थे, एंड इट वाज एब्सोल्युटली स्टैंडर्ड। मेन्यू वाज फिक्स्ड, वही चीज़ें सब लोग ऑर्डर करते थे। द टाइमिंग वाज फिक्स्ड एंड द नीड टू कम हियर वाज फिक्स्ड, जस्ट हैड टू कम। मेरे बच्चे भी बहुत रेगुलरली यहाँ अपने आप आके खाते हैं। एक बात जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, दक्षिण भारत से आपका कुछ लेना देना नहीं है? नहीं है। कुछ लेना देना नहीं है, मतलब फैमिली ट्री में कोई भी साउथ इंडियन नहीं रहा, तो ये साउथ इंडियन फूड से ऐसा लगाव? ये है बम्बई, यहाँ आप कहीं से भी आए, आप जो भी जबान बोलें, जो भी खाना खाएं, अगर आपके पास कुछ बेचने को है तो यहाँ खरीदार तैयार है। बचपन में इनके हर संडे की शुरुआत इसी जगह से हुई, और इतने सालों बाद इस सफर की शुरुआत भी हम यहीं से कर रहे हैं। पान पान आप कब से देख रहे हैं इनको यहाँ आपके? मैं जब भी इन लोग बच्चे लोग थे, स्कूल बहुत ही खूबसूरत वातावरण में बड़े होने का अवसर मिला मुझको, क्योंकि उस तरफ हिंदू कॉलोनी, इस तरफ पारसी कॉलोनी, एक तरफ साउथ इंडियन, जो बम्बई को मेल्टिंग पॉट कहते हैं ना, वो दादर बिल्कुल उस मेल्टिंग पॉट का जीता जागता नमूना है। दिस इज कॉल्ड द पारसी कॉलोनी, और वो खास बात इसलिए है क्योंकि ज्यादातर इस इलाके में पारसी रहते हैं। बेसिकली ये आपका इलाका है जहाँ आप पैदा हुई? अच्छा, पैदा भी हुई? जी बिल्कुल। पैदाइश, स्कूलिंग, वो मेरा स्कूल, वो मेरा नर्सरी स्कूल, ये मेरे सब फ्रेंड्स के घर, मेरी ग्रैंडमदर का घर, मेरी मौसी का घर, सब यहीं आसपास, बस एवरीथिंग हियर। खेलने के लिए पार्क की कमी तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, ये फाइव गार्डन्स तो है ही हैं, लेकिन उसके आसपास छोटे मोटे बहुत सारे गार्डन्स हैं। यहाँ पार्क में खेलने के अलावा हर चीज की है हमने। रेलिंग्स, ये बहुत पारसी कॉलोनी की ये एक बहुत बड़ी खासियत है, हर ग्रुप का अपना अपना एक हिस्सा होता है रेलिंग्स का। तो आपका जो गैंग है वो इस रेलिंग पे मिलेगा, मेरा जो गैंग है वो वहाँ मिलेगा। अगर आप हमारी जगह पे आ गए तो आप मुश्किल में हैं, अगर मैं आपकी तरफ आ गई तो मैं मुश्किल में हूँ, वगैरह। सो बहुत ही हमारी टेरिटरी है, और रोज़ शाम को यहीं मिलना है। हाँ, दोस्तों के साथ मौज मस्ती, शरारतें, पार्क में घूमना, जिंदगी चाहे जहाँ ले जाए, दिल आखिरकार वहीं बसता है
जहां बचपन बिताया हो। आज कई सालों बाद उस घर की चौखट पर रत्ना जी फिर से अपने कदम रखेंगी। भले ही आज हम उस घर के अंदर ना जा पाए, पर उसमें बीते इनके बचपन में झांक कर जरूर देखेंगे। लक्ष्मी सदन 604B डॉक्टर अंबेडकर रोड लक्ष्मी सदन। आप अपने बचपन के घर कितने सालों बाद वापस आए? कम से कम 10-12 साल तो हो ही गए जी। जब तक मेरी माँ जिंदा थी तब तक हम लोग यहाँ रहते थे, माँ यहाँ रहती थी। तो उनके देहांत के बाद फिर लौटा दिया, हमने कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई रखने की। मगर हाँ, 12 साल हो गए। रंग बदल गया बिल्डिंग का, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं बदला। मैं आई थिंक 6-8 महीने की रही होंगी जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए, तब से लेकर के जब तक मेरी शादी हुई 1982 तब तक। तो मतलब स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई, एवरीथिंग मेरा बस चलता, तो मैं कभी जाती नहीं यहाँ। हाँ। बहुत अच्छी लगती है ये जगह। जब यहाँ रहती थी तो कभी आप यहाँ इसी पे तो रोज शाम को गप्पे, झगड़े, सुलह, दिस वॉज आर बरामदा, दालान, एवरीथिंग। बचपन की कोई ऐसी बात जो शायद दीवारों से वाबस्ता हूँ या किसी एक ऐसे कोने से जिसका ताल्लुक हो, कुछ ऐसा है? अंदर चले, दिखाएं। चले, चले। ओके, हमारा घर तो था सेकंड फ्लोर पे, मगर द इंटरेस्टिंग एरिया इज दिस वन। ये घर से बाहर निकल के, मतलब पेरेंट्स के नजर से बाहर है, तो झगड़े, दोस्ती, हर चीज़ इसी एरिया में होती थी। फिर थोड़े से बड़े हुए तो फिर बॉयफ्रेंड्स, वो भी यहाँ बैठ करके नोक झोंक वगैरह। तो अभी तो रोशनी है क्योंकि दिन है, लेकिन यहाँ रात को काफ़ी अंधेरा होता है। मगर दैट मेड अ लॉट ऑफ थिंग्स पॉसिबल एंड एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुक एट इट। इस सीढ़ी से होकर बचपन यादों की दहलीज पर खड़ा है। इस घर में भले ही आज कोई और रहता हो, लेकिन रत्ना जी का यहाँ बीता वक्त उनके जहन में सजीव है। यहाँ की हर चीज से जुड़ी यादें इन्होंने संजो कर रखी है। इस घर से इनफैक्ट ज्यादा अहमियत कुछ मायनों में रखता है वो मेरी नानी का घर। अब मेरी मामी वहां रहती है, एंड वो घर सेकंड हाउस तो नहीं, शायद फर्स्ट हाउस, क्योंकि स्कूल से खत्म करने के बाद पहले हम लोग सीधा वहां जाते थे। रत्ना जी का बचपन मुंबई के दादर पारसी कॉलोनी के बहुसांस्कृतिक माहौल में बीता। कई सालों बाद उन्होंने अपने बचपन के घर के दरवाजे पर भी दस्तक दी, और अब रत्ना जी के साथ हम उस घर में जाएंगे जो उनके लिए अपने खुद के घर से भी ज्यादा अहम था। बचपन के दिनों की तरह इस घर की बालकनी में खड़ी उनकी मामी आज भी उनकी राह देख रही हैं। अच्छा, एक जमाना था जब सड़क क्रॉस करते वक्त इधर उधर देखना नहीं पड़ता था, कोई गाड़ियां ही नहीं थी, आराम से भागे चले जाओ। सुधा मामी, हेलो। चश्मा पहनना पड़ेगा प्लीज। This is fantastic. That was one of our Balodyan plays. जो क्लब था, हम लोग नाटक किया करते थे, so वो रिहर्सल कर रहे हैं हम लोग उसका। And that's झांसी की रानी। ये कितनी सुंदर है तस्वीर। हाँ, क्या बात है। And that's my mom. And that's the same balcony. Yes. मैं अपनी तस्वीरें ढूंढ रही थी फैमिली की, देखा कि सिर्फ ये एक तस्वीर है जिसमें हम चारों साथ हैं, वरना कोई ना कोई एक मिसिंग होता है हर तस्वीर में। अच्छा, जैसे ये है, इसमें आप तीन लोग, तीन हैं, ये सुप्री की पैदाइश से पहले, और ये मेरे बाबा।
बलदेव पाठक, यस। ये नसीर और मैं, हम लोगों ने बली नाम का गिरीश का एक नाटक था, बली, वो किया था तब। और ये सत्यदेव दुबे, दुबे जी पहले वो मेरी माँ और मौसी के साथ नाटक किया करते थे, तो रिहर्सल्स हमारे घर में होती थी, तो वो देख करके आई थिंक सचमुच तमन्ना जागी एक्ट करने की। एंड दैट्स माय नाना एंड नानी, एंड दैट्स द थ्री ऑफ अस, मायसेल्फ, सुप्रिया एंड माय कजिन संजीव। रत्ना जी के बचपन की कई खूबसूरत यादें कुछ खास लोगों से जुड़ी हैं, और उन्हीं खास लोगों में से एक हैं उनकी मामी जी। मामी हैज बीन पार्ट ऑफ एवरी मेजर पड़ाव। आज भी अगर मुझे किसी से स्ट्रेट आउट एडवाइस चाहिए तो मैं मामी के पास आती हूँ। मैंने सुना कि स्कूल से यहाँ आ जाया करते थे। यहाँ से जाते थे लंच के टाइम में, ये दोनों और मेरा बेटा, तीनों साथ में आते थे, लंच खाते थे, थोड़ी धमाल करते, उछल कूद उद्यम सब सारा करते थे। मामी यहाँ से हमको चिल्ला चिल्ला के ऊपर बुला रही है, खाना खाने आ जाओ, लेकिन हम लोग सब नीचे खेला करते थे। मामी बेचारी की आवाज फट गई चीख चीख के। खाने में ये आराम से ना धीरे से खाती थी कि मेरी मदर इन लोग इसके पीछे पड़ के खिलाती। जब सुप्रिया बराबर बैठ के आराम से खाती। एक्चुअली सुप्रिया और संजीव बहुत क्लोज थे, उम्र में भी और इंटरेस्ट्स में भी। मैं ज़रा बड़ी थी इसलिए मेरा उनके साथ इतना साथ नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हद तक सॉर्ट ऑफ क्रूअल सिस्टर रही होंगी, क्योंकि सुप्री के साथ बहुत झगड़े होते थे। हाँ, और हाँ, एक बार आई रिमेम्बर हम लोग सब ऊपर खेल रहे थे एंड एक शीशे का बुककेस था पीछे और कुछ झगड़ा हुआ हमारा और धक्का मारा मैंने आई सपोज, तो बेचारी सुप्री जा करके वो शीशे का उसके सिर में लगा। उस दिन के बाद आई थिंक मैंने थोड़ा कंट्रोल करना शुरू किया अपने गुस्से को। भी बुरा लगा? बहुत बुरा लगा मुझे भी, मगर तो ये तो बचपन की बात बता रही हैं, लेकिन इसके बाद जब आपने फैसला किया कि आप अभिनेत्री बनेंगी, उसके बाद रिश्ता बदला? आई थिंक सो। हम लोग इनफैक्ट जब से बड़े हुए हैं तब से दोस्त बने हैं सुप्रिया और मैं, क्योंकि हम दोनों एक्ट्रेसेस हैं। आई वेल राइवलरी तो मुझे कुछ याद नहीं है हम दोनों में ऐसा एहसास हुआ हो कि एक ही तरह के रोल के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं या इस तरह का कुछ। कभी ऐसा नहीं हुआ ना, बिकॉज एक ही चीज़ में इंटरेस्ट था। इट रियली मेड अस कम क्लोजर। इनको टेलीविजन पे आप देखती हैं तो कैसा लगता है आपको? बहुत ही अच्छा है, प्राउड ऑफ। आप इनका नाटक देखने जाती हैं? हाँ, मैंने सब सब देखे, सारे नाटक, हर एक नाटक में आती हैं वो। स्कूल और बचपन दोस्तों के तहत जाना जाता है बहुत, तो उसमें चूंकि आप एक स्पेशल फैमिली से थी, जो मॉम वाज अ सुपरस्टार, तो उसकी वजह से ऐसा कुछ खास हुआ या कुछ ऐसी? नहीं, दैट वाज द वंडरफुल थिंग कि किसी को इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई मुझे अलग से ट्रीट करने की। मैं रत्ना थी और वो लोग खुशनुमा और आर्मीन, दीज आर माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। तो आप अपने स्कूल के दोस्तों से आप कितने करीब अभी हैं? कितनी मुलाकात होती है उनसे? बाकी दोस्तों से शायद इतना करीब ना हूँ, लेकिन खुशनुमा और आर्मी इनके साथ तो बहुत अभी भी रेगुलरली मिलना जुलना होता है। बचपन की यादों का सफर अधूरा रह जाता है अगर उसमें दोस्तों की कहानियाँ शामिल ना हो। When you guys were school students, तो आप एक साथ, मतलब you guys were growing up together. सारा each other's houses all the time. मतलब स्कूल में सारा वक्त साथ, फिर हम किस आर्मीन और खुशनुमा एक ही डायरेक्शन में रहते हैं तो हम उनको छोड़ने जाते थे, फिर वो लोग वहाँ से मुझे छोड़ने आती थी, फिर मैं उनको वापस छोड़ने जाती थी। सो वी वर ऑलवेज टुगेदर। और खाना पीना इनके घर में बहुत बढ़िया फारसी खाना मिलेगा। आफ्टर दैट देयर वाज मोर फूड, लखन गोला वाला, रिमेंबर, पानीपुरी, फिर गन्ने के रस वाला, फिर मतलब खाना। रानीना डे नर्सरी स्कूल, ये वो जगह है जहाँ नन्ही सी रत्ना का परिचय पहली बार बाहरी दुनिया से हुआ। जूनियर केजी, माय गुडनेस, हेलो, द टेबल्स एंड चेयर्स आर द सेम, थैंक गॉड। आपको याद है? अरे वाह,
इतनी छोटी फर्स्ट नर्सरी में था, नर्सरी में, फिर लोअर केजी, लोअर केजी नहीं हायर केजी में सामने गई फिर नर्सरी वाला था। इतने सालों के बाद अपने नर्सरी स्कूल वापस आकर रत्ना जी के बचपन की यादें ताजा हो गई। ओके थैंक यू लीला भाई, थैंक यू, थैंक यू। पार्क में घूमना, दोस्तों के संग बर्फ के गोले खाना, छोटी बहन से नोक झोंक करना, अब तक हमने रत्ना जी के बचपन के कुछ सुंदर सामान्य पल उनके साथ जिए, लेकिन अब हम उनके बचपन के उस पहलू से वाकिफ होंगे जिसने उनके बचपन को अनोखा बनाया और उन्हें एक सफल अभिनेत्री, रंगमंच। स्टेज पर अभिनय से उनका पहला परिचय हुआ उनके स्कूल में। जब आपने यहाँ पढ़ाई शुरू की तो आपको लगा नहीं कि आप बाकी के जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे थोड़ी सी आप सुपीरियर हैं? सुपीरियर नहीं, ऑन द कंट्री बिल्कुल ऑपोजिट एक्सपीरियंस थी। स्पेशल, आई डिडंट वांट टू बी स्पेशल, क्योंकि टीचर्स भी कहती थी तुम्हारी माँ एक्टिंग करती हैं, तुम भी बड़ी होकर एक्टर बनोगी। मेरे सब फ्रेंड्स भी कहते थे तुम भी बड़ी होकर एक्टर बनोगी। मैंने कसम खा ली थी कि मैं चाहे कुछ और करूँ मैं एक्टिंग नहीं करूँगी। सारे बचपन यू वांटेड टू बी एन एक्टर, बट अपने आप से भी ये कहने को तैयार नहीं थी कि मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ। नाइन्थ में थी तब स्कूल में कुछ कॉम्पिटिशन हुआ एंड वो कॉम्पिटिशन में मैं फर्स्ट आई। सो दैट वॉज वेयर झांसी की रानी वॉज डन। और वो जो तालियाँ सुनी उसके बाद और वो जो टीचर्स ने अवगत की उसके बाद कि यार तुम तो कमाल हो, हमको तो मालूम ही नहीं था, सडनली चार चांद लग गए, तब से मुझे ख्याल आया कि यार ये एक्टिंग में कुछ बात है। रंगमंच पर अभिनय करने का जो सफर स्कूल के स्टेज से शुरू हुआ था वो रुका नहीं। आई हैव टू से कि जो ऑडियंस तक पहुंचने की का नशा, नशा ही है वो, बिल्कुल नशा है। और वो पहली बार यहाँ उसका सेवन हुआ, I think that was the great learning उस experience का। थिएटर का मैजिक बड़े होने के बाद और कई सारे नाटक करने के बाद उसका एहसास हुआ कि थिएटर का मैजिक क्या होता है। रत्ना जी ने रंगमंच को अपना बना लिया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने देश विदेश के हर जाने माने थिएटर और स्टेज पर अभिनय किया और लोगों का दिल जीत लिया। छबिलदास इज द होम ऑफ एक्सपेरिमेंटल थिएटर इन बॉम्बे। कुछ जादू था इस जगह में। आई एम फीलिंग क्वाइट ट्रांसपोर्टेड, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि मैं वापस चली गई हूँ। पहला नाटक कौन सा था आपका? संभोग से संन्यास तक। नसीर और मैं दोनों साथ में काम कर रहे थे उसमें, हम पहली बार उसी में मिले। और नसीर NSD करके आए हुए थे और उनका काम देख करके मैं बहुत ही प्रभावित हुई थी। उसी वक्त मैंने तय कर लिया कि मैं NSD ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि अगर मुझे एक्टिंग करनी है, एक्ट्रेस बनना है, तो सीखना बहुत आवश्यक है। This is the backstage for छबिलदास। Corridor backstage था? Well, more or less. वहाँ एक पीछे छोटा सा कमरा है जिसमें costume change करने का मौका मिलता था। बाहर यहीं कहीं mirror लगा के makeup हो जाता था। और कमाल की एक और बात कि ये exit है, यहाँ से स्टेज पे से exit किए, बाहर आकर के इनके घर में कौन सी फिल्म चल रही है टीवी, क्योंकि सबका टीवी दिखता था। लेकिन ये जो बैकस्टेज का एटमोसफियर है ना, ये मेरे लिए मेरे बचपन का एक स्पेशल सिग्निफिकेंस रखता है। क्योंकि जब नाटक के बारे में सोचती हूँ, नाटक देखने के बारे में सोचती हूँ, तब मुझे स्टेज के साथ उस तरफ का मुझे कुछ याद ही नहीं है। मतलब ऑडिटोरियम बाहर से कैसा लगता है वो मुझे कई ऑडिटोरियम के बारे में याद नहीं है। बॉम्बे में बहुत फेमस है ऑडिटोरियम तेजपाल, अगर तेजपाल का मुझे आप जिक्र करें तो मुझे तेजपाल बाहर से कैसा लगता है मुझे कोई ख्याल नहीं, लेकिन तेजपाल का बैक स्टेज क्या है वो मुझे मालूम है। इसकी वजह क्योंकि मैं बैकस्टेज में ही तो पली हूँ। मेरी माँ भी काम करती थी नाटक में, मेरी मौसी भी काम करती थी, तो सैटरडे संडे मतलब नाटक बैकस्टेज चले जाओ, भले प्ले देखो या ना देखो। प्ले नहीं देखती थी, बहुत बोरिंग रोने धोने वाले गुजराती नाटक करती थी मेरी माँ। लेकिन बैकस्टेज का जो मजा, वो लाइटें मिरर के आसपास, वो मेकअप लगाना, जब बैकस्टेज आप इंसान को देखो एक्टर को, ऑरेंज मेकअप और डार्क ब्लैक कुछ अजीब मेकअप लगता था, लेकिन वही लोग स्टेज पे जाकर के बड़े खूबसूरत लगते थे। तो ये जो पूरा बैकस्टेज का एटमॉस्फेयर, लाइट सेटअप करना, प्रॉप्स लग रहे हैं, सेट लग रहा है, मेरे ख्याल से ज्यादा ड्रामेटिक भी है ना कि आप एक कलाकार खड़ा है और ऐसे ही मतलब बनाल और जैसी एंट्री होती है वो कुछ और ही बन गया, चमत्कार हो गया। आई थिंक दैट इज व्हाई मुझे इतना शौक है थिएटर का। और डिसिप्लिन का एहसास बैकस्टेज मैं सीखी हूँ,
क्योंकि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि नाटक करना आसान है. कितने लोगों का सहयोग चाहिए होता है और कितना योगदान होता है लोगों का. आपके बचपन की ऐसी कोई मेमोरी, ऐसा कोई इमेज जब आप बचपन में यहाँ बैक स्टेज में हो, इंतजार कर रही हैं अपनी मासी का, अपनी अम्मा का, जो अभी तक आपके जहन में है? हाँ, मेरा पहला पेइंग जॉब इन द थिएटर वॉज बैक स्टेज ऑफ कोर्स एज द ड्रेसर. मेरी मौसी काम कर रही थी जासवंदी, टिपिकल गुजराती कमर्शियल नाटक, तो उनके कपड़े बदलने का काम मेरा था, ड्रेसर. आपकी मम्मी की ऐसी कोई प्ले की मेमोरी? माँ का एक म्यूजिकल था मैना गुर्जरी, वो कमाल का था. और वो ऑफकोर्स मैंने परफॉर्मेंस भी देखा, लेकिन वो जिस तरह से हमको मैना के बारे में कहानियाँ सुनाती थी वो मुझे बहुत याद है. और आई थिंक एक ज़माना था जबकि मैं मैना के सारे गाने गा सकती थी. सोनाई ढोणी ने रूपानू बेड़लू याता तड़ाव ने पार, तड़ाव ने पारे खेल तो राज लाड़को दियर तो खार, दियर मारो शूरानो सरदार. क्या बात है, क्या बात. रत्ना पाठक शाह, इनके नाम के साथ एक्टिंग की विरासत जुड़ी है. इनकी रगों में अभिनय दौड़ता है. जहां इनकी यादों में रंगमंच सबसे प्रबल रूप में सामने आया, वहीं उनके बचपन की मासूमियत भी हमने देखी. शायद ये इनके परिवेश का ही असर है जो वो इतने अलग किरदार भी इतनी सहजता से निभा पाती हैं. एशियन पेंट्स हर घर कुछ कहता है में अगले हफ्ते एक और घर की रोमानियत लेकर हाजिर होंगे हम. तब तक के लिए खुदा हाफिज़. ये थी इनके घर की कहानी. लॉग ऑन करें asianpaints.com/घर पे और हमें ये बताएं कि क्या आपने भी अपना घर किसी अपने के लिए बदला है. आप जीत सकते हैं एशियन पेंट्स की तरफ से एक्साइटिंग प्राइजेस.